वक्त मीडिया। जो आपको जहाँ लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही पुरसुकून माहौल यहाँ पे हो रहा है और मैं आपको मजाहिया दुनिया में लेके चलना चाहता हूँ। मैं उसके लिए एक छोटा सा ये सुनाना चाहता हूँ। किसी ने किसी से कहा, साहिद की शादी में सोरबे में सराबोर होकर उठा, साहिद की शादी में सोरबे में सराबोर होकर उठा। कह लिया भाई कहीं तो शीन बोल ले खुदा के लिए। कहने लगा अच्छा भाई सलाम अलैकुम। तो हमारे नाज़िम मुशायरा जो बैनुल अक़वामी शायर हैं, हिंदुस्तान के कई शहरों में उन्होंने अपनी शायरी से महसूस किया है, मेरी मोहतरम जनाब डॉक्टर शमीम देवबंदी साहब से मुराद है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने मज़ाहिया कलाम से हमें नवाजें। देखिए नाज़ो अदा के साथ जीना सीखो, नाजो अदा के साथ जीना सीखो, महकी फिजा के साथ जीना सीखो और चाहत और बढ़ेगी जीने की, माँ की दुआ के साथ जीना सीखो। चाहत और बढ़ेगी जीने की, माँ की दुआ के साथ जीना सीखो। और देखिए कि हिंद के बासी भाई भाई एक है सब, हिंद के बासी भाई भाई एक है सब, जैसे गीत गजल शहनाई एक है सब। और दुनिया वालों हमको गौर से देखो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है सब। देखिए इज्जत सबको यहीं से मिलती है, यकीन है कामिल है, दौलत यहीं से मिलती है। और अपनी माँ के पांव दबाकर तो देखिए, आप भी कहेंगे जन्नत यहीं से मिलती है, आप भी कहेंगे जन्नत यहीं से मिलती है। हमारे तालिब इल्म यहाँ तशरीफ रखते हैं, सिर्फ एक शेर आपके लिए कि उनको आली जनाब लिखते रहे, उनको आली जनाब लिखते रहे, हर सितम का हिसाब लिखते रहे, खुद को हम कामयाब लिखते रहे। और शेर देखिए कि मैं गुनाहों से बेखबर ही रहा, मैं गुनाहों से बेखबर ही रहा और फरिश्ते हिसाब लिखते रहे, मैं गुनाहों से बेखबर ही रहा और फरिश्ते हिसाब लिखते रहे। उर्दू के हवाले से हमारे डॉक्टर साहब ने, नाजिम साहब ने बहुत अच्छे कलाम आप तक। अब देखिए ज़रा सा हंसते हंसाते कवि की हैसियत से मैं आपकी खिदमत करूँगा। मैं डॉक्टर अजीज़ साहब को मना कर रहा था कि भाई मुझे आज इस पे मत बुलाओ वरना मेरी शुरुआत आपसे होगी। ये कहने लगे नहीं नहीं मुझे तो बुलाना है। देखिए जब इनकी शादी हुई, मेरे 25 साल पुराने दोस्त हैं, तो अगले दिन मैं मिला तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब डॉक्टर साहब मैं अपनी बीवी को बेपनाह चाहता हूँ। मैं चुपचाप आ गया। एक साल बाद फिर मैं गया चाय पी, मैंने कहा हाँ जी क्या ख्याल है। कहने लगा भाई साहब अपनी बीवी से पनाह चाहता हूँ। ताली बजा दीजिए अगर आपको अच्छा लगे। देखिए अगर वाकई अच्छा लगे। और देखिए एक बात ताली और मैं बजाऊंगा कि हम पांचों भाई यहाँ मौजूद हैं और पांचों वो, और हमारी दिलेरी देखिए इस वक्त तक आपकी सेवा में, ताली बजा दीजिए। ये माहिर साहब मौजूद हैं हर मुशायरे में, हर कवि सम्मेलन में। तो एक बार ऐसा हुआ मैं निजामत कर रहा था, एक पर्ची आई उस पर लिखा था कि ये ऐलान कर दीजिए। मैं ऐलान किया कि माहिर हसन ट्रांसपोर्टर जहां हो पीछे चली जाए, उनकी मोहतरमा उनका इंतजार कर रही हैं। ये जैसे खड़े हुए पीछे से आवाज़ आई, बैठ जाए बैठ जाए। मैं देखने आई थी यहीं आया या मेला घूमने गया। बहुत अच्छे। अब देखे डॉक्टर अजीज साहब को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जब बीवी से इनके वो मामले हुए कि पनाह चाहता हूँ, तो एक बार इनके अनबन हुई और इन्होंने कहा 50 रुपए दे जहर खा के आऊंगा अभी। उन्होंने निकाल के इनके हाथ में अभी आके खा के लेट गए। सुबह को उठे उन्होंने कहा क्या हुआ कि कुछ भी नहीं, कि मैंने कहा था ब्रांडेड चीजें खरीदा करो, पैसे भी गए काम भी नहीं हुआ। कहा था ब्रांडेड चीजें खरीदा करो, देखिए पैसे भी गए काम भी नहीं हुआ।
ये डॉक्टर ये वकील साहब एक दिन कहने लगे यार सब पे सुनाते हो हमारे कहीं भी नहीं ये महफिल में मुझे खूब मिलते हैं। मैंने कहा वकील साहब क्या बात कही, एक मुजरिम को अदालत में पेश किया गया और उससे क्या गया इस किताब पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। उसने कहा जी जज साहब एक बार नहीं दो बार कसम खिलवाओ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ बोलने के लिए तो मैं वकील साहब को साथ लाया। शुक्रिया। अब देखिए कि हर्षवर्धन की ये तो हंसाने की कला थी आप तक पहुंची। मैं सोमा नायर जी को यहाँ बुलाने से पहले शहजाद काजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब कविता सुनिए कि हिंदी कविता कैसे और उसमें व्यंग पैदा करती है कि ये रेलवे के कर्मचारी यानी सुस्ती की बीमारी, एक दिन विंडो पर भीड़ थी भारी, उनको चिंता कहाँ थी हमारी, चाय पी रहे थे चुस्की में, टिकट दे रहे थे सुस्ती में, गाड़ी आई चली गए, हम का खुमार देखते रहे, यानी कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, यानी कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। देखिए सोमा जी के गली गली मच गई खलबली, चर्चा खूब चली, किसी की दिमाग में जब नहीं आया कि केले के पेड़ पे नींबू लगे आने, लोग देख देख लगे मुस्काने, जब किसकी समझ में नहीं आया तो शाम को माली ने खुद बतलाया कि ये जो केले के मिजाज में फर्क आया था, कली से एक ऐसे दल बदलू नेता ने हाथ लगाया था। और सोमा नायर जी को आपके सामने पेश करूं, फिर ये महफिल इंशाल्लाह सजती रहेंगी, आपके साथ बात होती रहेगी।